नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द जीबी शो। आज की इस वीडियो में हम पार्ट टाइम जॉब के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट है, कोई काम करना चाहते हैं, थोड़े से पैसे कमाना चाहते हैं कि आपकी पॉकेट खर्च निकलती रहे, दिन में यार 2-3-4 घंटे काम कर लूं और मेरा पॉकेट खर्च निकल जाए, अच्छे खासे पैसे मेरे पास आ जाए जिससे मैं अपना और अपनी गर्लफ्रेंड का खर्चा उठा सकूं या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बिना मेहनत किए कोई भी पैसा नहीं कमाया जा सकता है। अगर आप ये सोच के आए कि आज मैं वीडियो देखूंगा, कल वो काम करूंगा, परसों मेरी जेब में पैसा होगा, तो आप गलत जगह पर हैं, वीडियो बंद कर दीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि हाँ मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, मैं मेहनत करूंगा, पेशेंस रखूंगा और बाद में अगर मैं कमाऊंगा तो मुझे खुशी होगी, तो आप अच्छी जगह पर हैं। 8 तरीके आपको बताने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला तरीका जो है वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग करना सबसे आसान तरीका है। अगर आपको इंटरेस्ट है न्यूज़ जानने में, शेयर करने में, जोक शेयर करने में, अपने फेसबुक पे एक पेज बनाइए, जोक्स बनाइए, जोक शेयर करिए, एक वेब पोर्टल बना लीजिए। बहुत आसान है आज की डेट में एक सिंगल पेज बनाना जिस पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, उसमें चीजों को शेयर करिए, अपने फेसबुक के थ्रू शेयर करिए, उसमें गूगल एडसेंस से आप अर्निंग कर सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत अच्छा खासा पैसा गूगल आपको देती है। जब आपकी वेबसाइट पे एड्स आने लगते हैं, आप कॉलेज में हैं, दिन के 3-4 घंटे डालिए, पोस्ट करिए, इधर-उधर से न्यूज़ उठाइए, कॉपी करिए, पेस्ट करिए, कोई टेंशन नहीं, आपको सिर्फ शेयर करना है। जितने ज्यादा लोग हिट करेंगे, जितने लोग क्लिक करेंगे, वहां पर ऐड आएगा और आपको उसका कुछ ना कुछ पैसा जरूर मिल जाएगा। ये एक बहुत ही आसान तरीका है। जो दूसरा तरीका है वो है YouTube। मैं इसको बता दूं, YouTube में आप तुरंत पैसा नहीं कमा सकते। आपके पास दिन के 2-3 घंटे फ्री हैं, आप कुछ काम करना चाहते हैं, आपके पास कोई नॉलेज है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, यूट्यूब वीडियोज बनाइए और उसको अपलोड करना शुरू कर दीजिए। गूगल एडसेंस के थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी, जब आपके व्यूअर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे वहां से भी आप पैसे कमा सकते हैं, बट उसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार, तुरंत के तुरंत ये काम होता नहीं है। यहाँ पर आपको वेट जरूर करना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है। यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है बहुत ही बेसिक और बहुत ही ट्रेडिशनल ऑप्शन है, जो कि ट्यूशन। आप अपने आसपास गली मोहल्ले में जाके ट्यूशन दे सकते हैं बच्चों को। यहाँ पर जितने भी आजकल के पेरेंट हैं वो दोनों वर्किंग है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, अपने बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते, पढ़ा नहीं पाते, तो वो चाहते हैं कोई अच्छा बंदा मिल जाए जो हमारे बच्चों को पढ़ाए, उनके मार्क्स अच्छे हैं, वो भी पढ़ाई में अच्छा खासा रहे। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और अगर आप ट्यूशन देना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका, आप जाके ट्यूशन दे सकते हैं बच्चों को। मैंने खुद ने ट्यूशन दी है और मैंने खुद ने अपनी जेब खर्च का पैसा निकाला है। जब मैं पढ़ाई किया करता था, मैं C++ सिखाता था, मेरे को आज भी याद है। ये एक अच्छा ट्रेडिशन तरीका, आप ट्यूशन भी दे सकते हैं। जो दूसरा है वो है प्रोजेक्ट डिजाइन। आजकल के टाइम पे बच्चों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, इतना ज्यादा उनके पास बर्डन है पढ़ाई का कि वो अपने जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं स्कूल के वो कभी नहीं करते हैं, तो जाके वो दुकानों पे पैसे देके बनवाते हैं। तो वहां पर आप उन दुकानों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट्स बना देंगे, या आप एक पंपलेट छपवा लीजिए, उस पर लिख दीजिए, स्कूल के बाहर उनको चिपका दीजिए, स्कूल के बाहर बच्चों को बांट दीजिए कि हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, आपसे हम इतने पैसे लेंगे और प्रोजेक्ट बना देंगे, दिन के आपके पास 2-3 घंटे फ्री है, वहां पर आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और थोड़े बहुत पैसे अपने जेब खर्च के लिए निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो हमारा अगला पॉइंट आता है 2-स्टेप कंप्यूटर सर्विस। आज की डेट में जो भी स्टूडेंट है इंजीनियरिंग कर रहा है या कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको नॉर्मल विंडोज इंस्टॉल करना, उसको नॉर्मल कंप्यूटर रिपेयर करना बहुत अच्छी तरीके से आता है, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है। बट जो लोग अमीर है, जिनके पास टाइम नहीं है, या कुछ लोग जिनको आता नहीं है क्योंकि वो पुराने टाइम पे उनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी खराब हो जाता है, दुकानों पे जाते 2-2 हज़ार रुपए देते हैं सिर्फ विंडो इंस्टॉल करने के, जहां और वो भी पायरेटेड, जहां पर आप भी 2 स्टेप पे जाके विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं 500 रुपए लीजिए, सर ये काम है 500 रुपए में कर दूंगा, विंडो इंस्टॉल कर दूंगा, एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर दूंगा। ये काम भी बहुत चलन में, और मैं आपको बता दूं ये काम भी मैंने अपने कॉलेज टाइम पे किया है, जहां पर मैं दुकानों में जाके या घर पे जाके कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल किया करता था और उसके करीब 200 रुपए लिया करता था। जो अगला अपडेट है, जो अगला पॉइंट है वो है वेबसाइट डिजाइनिंग। आज की डेट में वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना हो गया बहुत ज्यादा आसान। अगर आपको वर्डप्रेस नहीं आता है तो गूगल पे जाइए, सर्च करिए वर्डप्रेस ट्यूटोरियल, यहां पर आपको सिर्फ 7 दिन लगेंगे पूरी तरह से वर्डप्रेस सीखने में और शानदार वेबसाइट आप बना लेंगे। कुछ नहीं होता है, टेम्पलेट डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना, इतना होता है वर्डप्रेस में, जो ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ। कस्टमाइजेशंस भी बहुत सारी होती है जो आप उस पर सीख सकते हैं। 7 दिन लगते हैं इसे वर्डप्रेस सीखने में, 7 दिन में वर्डप्रेस सीखिए और वेबसाइट बनाइए लोगों के लिए, अच्छा खासा पैसा वहाँ आप कमा सकते हैं। मैंने खुद ने बहुत सारी वेबसाइट्स बना के अच्छा खासा पैसा कमाया जब मैं कॉलेज में था, अभी तो खैर अभी भी मैं चाहूँ तो वेबसाइट बना सकता हूँ, बहुत ही ईजी काम है वेबसाइट बनाना। जो अगला पॉइंट है वो है ऑनलाइन सेलिंग यूनिक प्रोडक्ट्स। अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर कुछ ऐसा मिलता है जो आपको लगता है कि आप उसे आगे बेच सकते हैं, तो आप फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे जाके अपनी दुकान बना सकते हैं और वहां पर उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। वहां पर आपसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट थोड़ा सा मार्जिन लेगा और उस प्रोडक्ट को आगे भेज देगा और आप उसमें पैसे कमाएंगे। अगर आप ऐसे राजस्थान में कहीं रहते हैं या MP में कहीं रहते हैं या पंजाब में कहीं रहते हैं जहां पर अच्छी अच्छी मोजड़ियां मिलती, जूते मिलते हैं या अच्छे सूट मिलते हैं जो उस जगह की यूनिकनेस है जहां पर दुनिया खरीदना चाहती है,
तो वहां पर आप उस चीज को अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे या पेटीएम पे कहीं भी बेच सकते हैं और उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ज्यादा कुछ करना भी नहीं होगा आपको, ऑर्डर आएगा, प्रोडक्ट आपको अमेज़न वालों को देना है, वो खुद ब खुद डिलीवर कर देंगे, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ आपको एक दुकान डालनी पड़ेगी, ये होता है यहाँ पर। जो अगला पॉइंट है वो है ऑनलाइन टीचिंग। यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पर आप जाके ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हैं, मैथ्स की, इंग्लिश की, साइंस की, फिजिक्स की, ज्योग्राफी की, केमिस्ट्री की, किसी की चीज जिसमें भी आप तेज हैं, आपको उसके लिए ऑनलाइन ट्यूशन देने पड़ेंगे, बट इसके लिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर आपका एक टेस्ट होगा इंग्लिश का ऑनलाइन ही, उस टेस्ट को अगर आप पास कर लेते हो तो आप बहुत आसानी से ट्यूशन दे सकते हो ऑनलाइन, वहां पर आपको घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ट्यूशन दिलवाती हैं बाहर विदेशी बच्चों को, आप जाके सर्च करिए ऑनलाइन ट्यूशंस, आई वांट टू रजिस्टर, वहां पर आप रजिस्टर करिए, आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है और आप पढ़ा सकते हैं तो आप घंटे के हिसाब से वहां पर पैसे कमा सकते हैं, दिन के 2 या 3 घंटे आप आराम से ट्यूशन दे सकते हैं ऑनलाइन। और जो आखिरी ऑप्शन है वो वही है जो सब लोग बताते हैं, फाइवर है, पीपल्स पर आवर है, अपवर्क है, जहां पर अगर आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं, वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं या कोई भी ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, वहां पर जाके आप लोगों को अपनी सर्विस दे सकते हैं। अगर आप वीडियो एडिट कर सकते हैं वहां पर किसी की वीडियो एडिट करके उसको दे सकते हैं, यहां पर आपको घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, आप उस पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पास कोई हुनर है तो उस हुनर का इस्तेमाल करके आप इजिली थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं। ये कुछ 8 तरीके थे जो मैंने निकाले थे जो मुझे लगता है कि आप इस्तेमाल करके आराम से पार्ट टाइम वर्क करके थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं और अपना जेब खर्च निकाल सकते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है, आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे हैं, या आप कौन सा नया तरीका इस्तेमाल करें जो आप दुनिया को बताना चाहते हैं, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। यहां मैं करता हूं वीडियो समाप्त, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज मेरे को लाइक करें, प्लीज शेयर करें ताकि ज्यादा लोग देख सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्ट टाइम काम करके पैसे कमा सके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।